रमेश, घर का काम कहाँ तक पहुँचा? कहाँ सर, इलेक्शन की वजह से काम करने वाला कोई नहीं मिला है मुझे। 500 रुपए में काम करने वाले को 2000 मिल रहे हैं तो वो कोई फोन उठाने को तैयार ही नहीं है। अरे मेरे घर की नौकरानी का भी वही हाल है, मैं महीने के 2000 देती हूँ। अच्छा? वो एक दिन में कमा लेती है। बात है दादी, आपको इसी निशान पर वोट डालना है। ए, दे दे दादी, ये कहना दादी। ये क्या पद्मा, कान की बाली नहीं ली है क्या? तुम्हारे एरिया में क्या दिया है? चेन दिया है। अरे वो चाहे जो भी दे, लेकिन इस बार जीतेगा सुरेश ही। हाँ बेचारा, दो बार हार गया, इस बार तो मैं उसी को वोट दूंगी। उसका क्या होगा? सभी राजनेता तो जीतने से पहले बहाने बनाते हैं, इससे अच्छा भाई ही ये भी ठीक है। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? अरे ये क्या बेटी, उसके दिए हुए 2000 रुपए से एक अच्छी सी साड़ी ले लेते ना। उसके दिए हुए पैसे से ही तुम साड़ी पहनोगी क्या? रोज तुम भिखारियों को 5 से 10 रुपए भीख देती हो, तो अब ये बताओ 5 साल में कितने हो गए होंगे? 20 से 25 हजार तो हुए होंगे ना। तो ये बताओ, वो अमीर है या तुम अमीर हो? हमारे प्यारे नेताजी, गरीबों के बंधु, दलितों और पिछड़ों के मार्गदर्शक, युवाओं को सही रास्ता दिखाने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सुदर्शन जी की जय। रुकिए रुकिए, रुक जाइए, बात करते हैं तो तालियां, नहीं बात करते हैं तो तालियां। अपोजिशन वालों को डांटे तो भी तालियां, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं इसके लिए डांटूं तो भी तालियां। देखिए, इस तरह का तालियां बटोरने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं मैं। मुझे आप लोगों की तालियां नहीं चाहिए, मुझे आप सबका वोट चाहिए, वोट। देखिए, वोट मांगने वाला राजनेता होता है, लेकिन वोट को अस्त्र की तरह इस्तेमाल करने वाला जननायक होता है। राजनेताओं को छोड़िए, जननायक को वोट दीजिए। सुदर्शन जी की जय। सुदर्शन जी की जय। जय भारत। आइए नेताजी, आइए। कहाँ जाना है साहब? शाम राज पे। चलो बैठ जाओ। कौन सा एरिया है तुम्हारा? हीरी नगर साहब। क्यों साहब? इस बार इलेक्शन बहुत धूमधाम से हो रहा है, लगता है बहुत पैसे बांटे गए हैं। पैसा लेने वाले लोग भी पागल नहीं है साहब। तो आप सब देख सकते हैं कि जनता की क्या प्रतिक्रिया है और इन सब का आगे रिजल्ट क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। 2 बार जीतने के बाद भी अपने क्षेत्र में पैसों का इस्तेमाल कम, बैंकॉक में ज्यादा किया है। समस्याओं के समाधान के लिए सुयोधन के पास समय नहीं था, बल्कि वो कहीं और व्यस्त थे। अगर जनता की समस्या का जरा भी समाधान किया होता तो इस बार उनके हैट्रिक होती, मगर इस बार उनके हारने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा जनता का कहना है। देखो छोटे, राजनीति में हमें थोड़ा टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, सोसाइटी में खुद को बेचना ही पड़ता है। धूम्रपान हानिकारक है ऐसा भी कहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग विश्वास के लिए तालियां देते हैं, अचीवमेंट के लिए नहीं देते। तुम्हारी जीत मेरी प्रतिष्ठा है, तुम्हें कैसे जितवाना है ये मैं जानता हूं। ये पैसा बांटना बंद करो, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, 50 करोड़ रुपए तो क्या, 500 करोड़ भी देने पर तुम्हें वोट नहीं मिलेंगे। अब बस एक ही रास्ता बचा है, प्लीज मेक श्योर दैट द अमाउंट इज ट्रांसफर टू मैडम बाय टुमारो इटसेल्फ। सीएम साहब, हेलो साहब, सलाम साहब। साहब अभी मैं मैडम के घर पे जा रहा हूँ, मैडम से बात करके मैं फोन करता हूँ साहब। नमस्ते। थैंक यू।
ये क्या है? थैंक यू। वॉयस दो। टीम बी साहब, रिपोर्टिंग साहब। सभी 20 नंबर पे जाओ। जी साहब। भारत माता के गौरव की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना ही देश के सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं। अपने सारे शरीर को आंख बनाकर पड़ोसी देश से किसी को भी बॉर्डर के अंदर नहीं आने देते। अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घर बार को छोड़कर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने देश के लिए जान न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। परंतु हमारे राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए पड़ोसी देशों से आए हुए इन लोगों को आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसी चीजें मुहैया कराकर देश की शांति को खतरे में डालने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। एक ओर सैनिक जान देकर देश की रक्षा करते हैं, दूसरी ओर ये लोग सत्ता हथियाने के लिए देश को बेचने से भी बाज नहीं आते। पैसों के लिए, जाति के लिए, मेरी दी हुई भीख के लिए वो लोग मुझे ही वोट देते हैं। मैं अपोजिशन कैंडिडेट से टक्कर लेता हूँ। तुम्हें मेरा दिया हुआ गिफ्ट अगर कम पड़ रहा है तो फिर भाई ये लो, स्विस बैंक का चेक है, जो चाहे वो रकम लिख लो। अगर इस बार मेरी हैट्रिक हो गई तो जान भी मांगोगे तो दे दूंगा। देखो हमारे स्टेट को क्या चाहिए, रियल एस्टेट का धंधा चाहिए, पावर प्लांट का सेटअप चाहिए, तो बनाओ ना। कहीं माइंस खोदनी है तो खोद लो, जो करना है करो। ये पूरा स्टेट तुम्हारा है, ये तुम्हारा स्टेट है। कौन है? अरे है कौन तू? गाड़ी से बाहर उतरना। एक मिनट,
ये लो चेकबुक ले लो, जितनी रकम चाहिए उतनी लिख लो इसमें, लेकिन इलेक्शन होने तक बस खामोश रहना। पैसा, पैसे की पावर से ही राजनीति चलती है। इसमें दारू से भी ज्यादा किक मिलती है, ऊपर वाले को भी इसी का लालच देके नीचे बुला लिया जाता है। तुम्हें क्या चाहिए शिवराज, पावर चाहिए ना, तो ले लो। इनको प्यार करने वाले इनके पावर हैं। ठीक है तो फिर कोई प्रॉपर्टी ले लो। पूरा राज्य इनकी प्रॉपर्टी है, कोई और ऑप्शन हो तो बोलो। ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती है, जब भूख लगती है और हाथ जेब में जाता और कुछ नहीं मिलता तो अफसोस होता है। हमारी भूख की परवाह हमारी जनता करती है। जनता जनता, अरे जनता से कुछ नहीं होने वाला। ये बात तुम्हारे भेजे में घुसती क्यों नहीं है? इस जनता को जितना पैसे से प्यार है ना, उतना प्यार तो अपनी माँ से भी नहीं होता है। तेरी माँ को भी अपनी माँ समझते हैं यहाँ के लोग। वोट के लिए कोई पैसा नहीं मांगता, वोट मांगने के लिए उनके पैरों में पड़ते हो ना तुम, तभी एहसान करके वोट देते हैं वो। नोट के लिए नहीं, स्वतंत्रता आने के बाद संविधान बना, संविधान बनने के बाद चुनाव आया, चुनाव होने के बाद देश को आगे बढ़ाने नेता आए उस जमाने में, और अब अपने स्वार्थ के लिए नोट देकर वोट डालने को कहते हो। बॉर्डर क्रॉस करवाकर, बाहर से लोगों को बुलाकर, वोटर आईडी देकर, आधार कार्ड देकर, राशन कार्ड देकर अपनी मां समान देश को बेचने चले हो तुम। मौत तेरा एक घंटे से इंतजार कर रही थी, मगर तुम मरा नहीं, क्योंकि शिवा तेरे सामने था।
दम पे ये यारा, मोम जैसा दिल भी ये रखता है यारा, श्री कृष्ण जैसा है ये। ओके सर। मैं यहां पर चुपचाप बैठने नहीं आया, ना ही हाथ मिलाने आया। हाथ मिलाने के लिए तुम ना तो पीएम हो और ना ही मैं सामान्य आदमी। प्रजा को प्रभु कहते हैं, मुख्यमंत्री को मंत्री ही। कमजोरों का एक और नाम है हारना। उस कमजोरी का जवाब है तुम्हारा भाई। उसके आत्मा की शांति के लिए तुम मेरी जान को ही आत्मा बनाना चाहते हो, उसी को चैलेंज करने आया हूं। विटनेस और एविडेंस होंगे तो ही मेरे ऊपर इल्जाम लगाना, वरना तुम जानते हो कि मेरी हैसियत क्या है। भगवान तो नहीं होना? भगवान भी सीएम नहीं बन सकते, इसीलिए तो हम भगवान की पूजा करते हैं। सरकार से पंगा लोगे तो मारे जाओगे। इसे हम सुसाइड भी प्रूफ कर सकते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी उसे मारा, देखता हूँ तुम सब कब तक जियोगे। हमारी मौत का टाइम तो तभी आएगा जब ऊपर वाले की मर्जी होगी, तो कुछ और सोच। लीडर बनने की तो नहीं ना सोच रहे? देश को ऐसा ही लीडर बदलेगा, ये हमें कॉन्फिडेंस है। इस देश को बदलने के लिए अब तक बहुत सारे महात्मा आ चुके हैं, लेकिन सब के सब थक गए। गाल पर चांटा खाकर दूसरा गाल आगे करने वाला महात्मा मैं नहीं हूं, खून के बदले खून मांगने वाला सुभाष चंद्र हूं मैं। मां की गोद में पैदा हुए बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, और ऐसे में तू बिरयानी खिलाने उन्हें बुला रहा है। उन्हें वापस भेजना होगा, कान खोल कर सुन ले। अगर अब भी तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे भाई की फोटो के पास तेरी फोटो लगा दूंगा। अगर अब भी तुझे शक है तो क्रियाकर्म करने से पहले अपने भाई की भटकती आत्मा से पूछ लेना, जवाब मिल जाएगा। ज्यादा समय देने का सब्र शिवराज ने सीखा ही नहीं। मैं सोचता था चाणक्य के पास ही दिमाग है, तुम उससे आगे निकले। तुम्हें किस नाम से बुलाऊं मैं? प्यार से लोग शिवराज कहते हैं, आप ऐसे ही बुला सकते हैं। कानून से आगे बढ़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं होती। सरकार के टुकड़ों पर पलने वाले कानून को मैं नहीं मानता। गवर्नमेंट उसे गेट से कुत्ते की तरह बांधे रखती है। एक सीएम को जेल में भेजने की ताकत कानून में है। एक्सक्यूज मी, विद इन अ मंथ उसे बाहर छोड़ देगा ये कानून। मुझे सिर्फ एक सबूत मिल जाए तो पुलिस की क्या पावर है दिखा दूंगा। मौत से बढ़कर सबूत चाहिए क्या कोर्ट को? फिंगरप्रिंट ओके है, डॉग स्क्वाड आएगा तो भी चलेगा, मोबाइल नेटवर्क ट्रेस किया तो भी चलेगा, कोई भी क्लू होने दो। आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट मेरा केस ही होना चाहिए, ऐसी ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा। सर बैठो। थैंक यू सर। सर आपको किसी पर डाउट है क्या? डाउट? यस सर। मेरे भाई का मर्डर हुआ है और आप डाउट की बात कर रहे हैं? मेरा भाई था सूर्योधन, इलेक्शन में हार जाने की डर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। पिछले 2-3 दिनों से वो बहुत ही गहरी डिप्रेशन में चला गया था। आपके भाई के बारे में बहुत रूमर्स आ रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस मैटर को तूल देकर गलत प्रचार करके मेरे घर वालों को और ज्यादा दुख मत दीजिए, प्लीज। इस मैटर के बारे में आप सब जानते हैं, इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। अब आप इस मैटर को यहीं छोड़ दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। तो दर्शकों, अभी अभी आपने देखा कि सीएम साहब अपने भाई की मौत को आत्महत्या कह रहे हैं।
सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? सब खैरियत है। इसका बहुत बड़ा नाम है। तो क्या हुआ, नाम ही तो है ना। ये आपने कैसी डील कर ली है? ये मैटर आपके लिए बहुत छोटा है। देखो, हर चीज की एक वजह होती है। ओके, हो जाएगा। पक्का लोकल माफिया जिसे डॉन बनने का शौक हो। आगा, केस डाइवर्ट कर दो। यासीन, चैलेंज को चैलेंज करने वाला एनकाउंटर लिस्ट की टॉप में है। मौत से नहीं डरने वाला खुला घूम रहा है। जो ये कहता है कि ऊपर वाला उसका है, ऐसे उड़ने वाले हरीश राय को यासीन, तुम्हारा। इतनी जल्दी क्या है? अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं अर्जुन क्यों नहीं करूँगी? मुझे बहुत शर्म आ रही है। ओहो, मैं हूँ ना यहाँ। तुम तो बहुत तेज हो। तुम क्यों इस वक्त हॉट होने के टाइम पर ठंडे हो रहे हो? वो क्या है कि अभी अभी आइसक्रीम खा कर आया हो ना, इसीलिए ठंडा हो गया हो। कुछ गर्म करने का जुगाड़ है क्या? अगर ऐसा है तो हम लॉन्ग ड्राइव पर चलें। ओह, लॉन्ग ड्राइव पर? अगर तुम्हें तकलीफ है तो मैं ड्राइव करूंगी। ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। देखो, ज्यादा हिलो मत, आराम से खड़े रहो, तुम्हें ही बाद में तकलीफ होगी ना। अभी दिखाता हूँ तुझे। कहो तो मैं बंद कर दूँ? फालतू की बातें करने का टाइम नहीं है, मुझे ऑलरेडी ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है। कैमरा लेकर आओ। बेस्ट रिपोर्टर ऑफ द ईयर तुम ही बनोगी। आओ बेटा। पापा पापा, आपको पता है इसे यहाँ आकर 15 दिन हो गए, अब तक इसका नाम नहीं रखा। अच्छा, आकर 15 दिन हुए, अभी तक नाम क्यों नहीं रखा? एक्चुअली मैं तो भूल गया। ऐसा क्यों किया? विजय कैसा रहेगा? हाँ विजय। पापा ये फीमेल है। फीमेल है? अरे ये तो फीमेल है। ओ, फीमेल है। तो विजय? विजय। ये अच्छा नहीं है। कोई और नाम बताओ। चाय ले लो। हाँ, रुखसाना चलेगा? ये शुरू हो गई। पापा, रुखसाना भी नहीं अच्छा नाम नहीं है। बहुत ड्रामा करी है। चांदनी, ये अच्छा है पापा। हाय सर। हेलो, आओ। थैंक यू। बैठो ना। हाय बेबी। इसका नाम चांदनी है। बहुत अच्छा नाम है। नाइस। थैंक यू सर। ये देखिए।
हर स्टेट में मसाज पार्लर के नाम पर ये धंधा चल रहा है। स्टार होटल से लेकर स्लम एरियाज तक ये लोग अपने बिजनेस के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। सर हर साल 1800 से 2200 बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स आ रही हैं। 400 से 500 तक बच्चे मिल गए तो ग्रेट है, बाकियों का क्वेश्चन मार्क। पुलिस रेड करती है तो उन प्रोस्टिट्यूट्स में 60% बांग्लादेशी होती हैं। इन सब का मेन थॉमस है, इंटरनेशनल किंग पिन। बॉस वहां देखिए, बच्चों के साथ खेलने का दिल कर रहा है। तुम लोग चलो, मैं अभी आया। ओके ओके, मुझे पकड़, फिर मैं तुझे पकड़ूंगी। बूम। हाय चुमी। हाय पापा। मैं एक पप्पी लूं? अब मुझे एक पप्पी दो। चुम्मी, मुझे धोखा दे रही हो? आपको कैसे पता चला? ए, मैं तुम्हारा पापा हूँ, मेरी बेटी के छूने से ही मुझे सब पता चल जाता है। I love you, पापा। पापा, पापा, इन लोगों ने मुझे 2 times आउट कर दिया। अच्छा, आप मेरे बदले इन लोगों का आउट कर दो। ओके, डन। अरे बाप रे, अंकल हमको पकड़ लेंगे। चलो चलो। yes. चलो शुरू करो। छुप जा। विजय भाई, क्या हुआ? नो, डोंट फायर। you
सर शिवराज पर अटैक हुआ है बट ही इज सेफ। अरेस्ट हिम। कंप्लेंट नहीं की है तो फिर अरेस्ट क्यों कर रहे हो? अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो हमारे पास ताकत है कि हम उस बंदे को अरेस्ट कर लें। सेक्शन 302, सेक्शन 307, इस सुपारी किलर की हिस्ट्री वेल नोन है। हिस्ट्री की जरूरत आपको है? हमारी प्रॉब्लम हम देख लेंगे। आपकी सिक्योरिटी के लिए ये लोग यहां रहेंगे। इन्हें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। एक मिनट बॉस को देता हूं। सर नेटवर्क रजिस्टर हो चुका है। लोकेशन मुंबई सेंटा क्रूज। पिछले दो दिनों से फोन स्विच्ड ऑफ है। सिम कार्ड किसी शांताबाई के नाम पर है। लोकल कॉल्स के अलावा कुछ नहीं है सर। तुझे डील किसने दी ये बता। अभी कहां हैं वो लोग? इसका बैकग्राउंड क्या है? दो बीवियां, सात बच्चे हैं इसके, माँ बाप नहीं है, एक छोटा भाई है, वो भी इसकी तरह ही है। ये दुबई में है कहकर इसके घर हर महीने पैसे भेजो। उन्हें ये सच्चाई मत बताना। ये लो, खा लो। शिबू तुम्हारी देखभाल करने के लिए ये विजू और गुरु हैं। तो फिर आज इस लोमड़ी की क्या जरूरत है? आप उसी लोमड़ी को अदृश्य देवता मानकर भगवान के साथ रखकर उसकी पूजा करते हैं। अच्छे इंसान में भी बुराइयां हो सकती हैं। अगर कोई अपनी गलती मान लेता है तो उसे माफ कर देना इंसानियत है। लेकिन जानवर में इंसानियत नहीं होती। लाखों लोगों को पालने वाला नायक है तू। जरा सोच बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? खाना छोड़कर उठना बुरी बात है। वो मुझे अपना बेटा मानती हैं, इसीलिए मुझ पर हक जमाकर ऐसा कह रही हैं। तुम बुरा मत मानो, खाना खा लो। कहा ना, खाना खा लो। पापा ने मुझे बताया था कि आप भी मेरे मामा हो, बट बिरजू मामा और गुरु मामा तो मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं। आप क्यों उस दिन तलवार लेकर आए थे? वहाँ पर तुम थी ये मैं नहीं जानता था। अब से मैं कोई तलवार नहीं लाऊंगा। सॉरी। हाँ आप रो मत मामा, बट अभी आपको चॉकलेट लाना होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। ओके थैंक यू। मैं आपको पप्पी दी है, ये बिरजू मामा और गुरु मामा को मत बताना, ओके? Thank you.
मारिए मुझे, मारिए, छोड़ो, मारिए, छोड़ दो। जीवन दाता जान लेने आया है, अपने बेटे की लाश देखनी है। अगर ऐसा है तो मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? ऐसी बात नहीं है शिव, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई बेटा नहीं है। गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है, मां बेटे के रिश्ते को मैं पहचान नहीं पाया। जो तुम्हें मारने आया था उसी को तुमने घर में रख लिया, तुम पागल हो क्या शिवू? तुम्हें पता है इस पर कितने माओं का शाप है? या अल्लाह, मैं तो इससे दूर जाकर शांति से जीना चाहती थी, लेकिन इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इसे जीने का कोई हक नहीं है। मर जा तू, मर जा, मर जा तू, मर जा, मर जा, कहीं जाके मर जा तू, मर जा, मर जा तू। अल्लाह, ये तो पहले ही मर चुका है, सिर्फ शरीर जिंदा है। इंसान से तो गलती होगी ही, यहां भगवान भी गलती करता है। गलतियां सभी से होती हैं, पर जहां प्यार होता है वहां सब्र पैदा होता है। खाना तो सबके घर में रोज बनता है, लेकिन जिस दिन मेरे घर बनता था वो त्योहार का दिन होता था। मैंने एक दिन भी पेट भर खाना नहीं खाया। लोग मुझे ताना मारते थे कि मैं तीन लोगों का खाना एक साथ खा जाता हूं। अगर पापा पैसा कमाते थे तो बस खाने के लिए, माँ पैसा कमाती थी बेटी की शादी के लिए। बेटे को तो भूल ही गई माँ, उसने सोचा कि लड़का है वो तो कैसे भी जी लेगा। खेल कूद की उम्र में मैं जुआ खेलता था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी भूख ने मुझे इस तरह का इंसान बनने पर मजबूर किया। मेरे दोस्त भी दिन भर बस जुआ ही खेलते रहते थे, और पेट्रोल चुराना हमारे लिए रोज का काम हो गया था। पैसों के लिए किसी को भी मार देते थे। जिस दिन हमें पैसा मिलता वो दिन हमारा खुशी का दिन होता था। मेरे इन हाथों से बहुत सारे पाप हुए हैं, मैं पापी हूं। और आज मैं अपने माँ के हाथों मरने वाला था, तो फिर इस नसीब को आपने मुझसे क्यों छीन लिया? माँ अमृत पिलाना जानती है, जहर पिलाना नहीं। जो हो गया सो हो गया, यूं समझो कि भगवान ने आप दोनों को आज मेरे जरिए मिलाया है। इसे माफ कर दो। मुझे माफ कर दे बेटा। दुबई। थैंक यू, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके। हाय। हाय। एंथोनी की दी हुई इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। सो गाइस, चलो दुबई।
want. No, I will tell you. तुम्हारे प्रॉब्लम मैं समझता हूं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं शिवराज। जानता हूं, सब ऐसे ही नहीं होता। यहां जीने के लिए आए हैं तो यहां के तरीकों से ही जीना होगा, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं हैं। आप तो देख ही रहे हैं, आज दुनिया के कोने कोने में आतंकवाद और अत्याचार फैल रहा है, जो इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है। हमारा देश भी इससे बचा नहीं है। ये सब अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, लेकिन इनमें इंसानियत नहीं है। मरने वाला किस धर्म का है यह उनके बॉम्ब को पता नहीं होता। यू आर राइट। वेस्ट के लोगों को पहचान सकते हैं, ईस्टर्न्स को भी पहचान सकते हैं, लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश में हैं, उनको हम कैसे पहचाने? वो बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं, उनको ढूंढ निकालना मुश्किल है। डर, अगर जान का डर रहेगा तो ये शहर क्या, देश भी छोड़कर भाग जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, सीरिया से करोड़ों लोग रोज अपना देश छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वो लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। यू आर राइट। उत्तर प्रदेश में एक वीडियो रिसेंटली वायरल हुआ है। बांग्लादेशी लोग वहां के लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसा वीडियो बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर डालकर ऐसा गॉसिप क्रिएट हो सकता है तो ऑटोमेटिक लोगों के मुंह से 50 लोग मर गए हैं, 60 लोग मर गए हैं, विद इन एन आवर 100 लोग मरे हैं, ऐसा क्रिएट हो सकता है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व एंड एज अ कमिश्नर आपको 2-3 दिनों में रिजल्ट का पता चल जाएगा। प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो जवाब मुझे ही देना होगा। ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले जिन एरिया में ये लोग रहते हैं वहां पुलिस फोर्स भेजिए, अगर जरूरत पड़े तो आर्मी को भेजिए। इन्हें जड़ से मिटाने का यही सही तरीका है। दैट्स इट, है ना? राइट राइट। आप देख सकते हैं कि शहर में बांग्लादेशी लोगों में दबाव बढ़ता जा रहा है और हजारों लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। हम जानते हैं कि बैंगलोर शहर में लाखों लोग पलायन करके आए हुए हैं और ये आरोप हमारे एक्स मुख्यमंत्री ने लगाया है। ताज्जुब की बात ये है कि ये लोग बिना वीजा और बिना अनुमति के यहाँ कैसे आ गए, इस बात पर इंक्वायरी चल रही है। इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है कि हमारे राजनेता चुनाव से पहले इन लोगों का वोटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जानकारी ये भी मिली है कि इन राजनेताओं के संरक्षण में ही ये लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ बने रहिए। कैमरामैन गुरु के साथ मैं सुचित्रा, न्यूज टीवी बैंगलोर। एक्सक्यूज मी सर, सर 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 जस्ट वन क्वेश्चन। एक्चुअली केरला और वेस्ट बंगाल के अलावा लाखों बांग्लादेशी यहाँ कर्नाटक में आ रहे हैं, ये सबूत के साथ प्रूव भी हुआ है। इसके पीछे राजनीति है, ऐसा विरोधियों ने आरोप लगाया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसीलिए तो उन्हें विरोधी पक्ष कहा जाता है। सर, इन बांग्लादेशियों द्वारा आपका भाई सूर्योधन इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था, ऐसी खबर मिली है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? अगर ऐसा हुआ होता तो मेरा भाई आत्महत्या क्यों करता? सब मनगढ़ंत बातें हैं, किसी की गहरी साजिश है हमारे बारे में रूमर फैलाने की। सर, वो कौन है? देखिए, इस राज्य में अगर कोई भी कानून के खिलाफ है और क्राइम करने की कोशिश करता है तो मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। इज इट क्लियर? सर, वन मोर क्वेश्चन। सर 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 जस्ट लास्ट क्वेश्चन। सब तरफ आपकी ही चर्चा चल रही है, सारे टीवी चैनल्स पे सूर्योदिनी टॉपिक है। सीएम साहब ने कॉल किया था, कह रहे थे कि उनका नाम सामने नहीं आना चाहिए, शिवराज के बारे में पूछ रहे थे। मैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी तैयार हूँ, इस केस से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये बात साबित हो गई है कि गृह मंत्री सुदर्शन जी बांग्लादेशी लोगों को चुनाव के वक्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मंत्री जी इसे नकार रहे हैं।
ठीक है यहाँ। चॉकलेट। नमस्ते। बाय। चलो बेटा। बहुत दर्द हो रहा है बेटा। यासीन किधर गया? तूने सुपारी ली थी ना, ये धोखा क्यों दिया तुमने? धोखा क्यों दिया? मारो। अम्मी छोड़ो, अब तुम्हारी अम्मी जान करेगी हमारा काम। चलो बेटा आराम से। तुम कौन हो बेटा? यासीन ने भेजा है माजी। ओ ऐसा है, ठीक है ठीक है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा है वो। बाप क्या रे बाबा, ऐसे गाड़ी चलाता है कोई? इसमें छोटी बच्ची बैठी है, उसके पैर को लगा है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? आराम से चलाने का ना भाई। चलो माँ जी, आप ऑटो से आई है क्या? कार कहाँ गई? वो बाहर खड़ी है बेटा। यासीन कहाँ है? अरे कुछ अर्जेंट काम है बोलकर वो बाहर गया था, पर अभी तक आया नहीं है। अर्जेंट काम? और कैसा ड्राइवर भेजा था, बाप रे बाप, वो कितनी स्पीड में ड्राइव कर रहा था। अगली बार ऐसे ड्राइवर को मत भेजना। मैं तुम्हें फोन करता हूँ। या आई कॉल यू बैक। ओके या आई कॉल यू बैक। हाय चुन्नी। बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी बोला, इसमें कोई डरने की बात नहीं। दर्द हो रहा है बेटा? ओहो ओले, आ जा मेरी गोदी में सो जा बेटा। बहुत वजन है इसमें। अच्छा लग रहा है भाई। हाँ? गाड़ी किसके हाथ से भेजी थी? क्यों? आगे थोड़ा डैमेज है। डैमेज? हाँ। लेकिन यासीन है कि कनेक्ट भी नहीं हो रहा। एंट्रेंस का सीसीटीवी ऑन करो सर। ये यहां क्यों आया है? जल्दी आ। क्या हुआ? रफीक आकर गया। ये देखो। चुम्मी नींद आ रही है, जरा इसे अंदर ले जाइए। आराम से आराम से। सर यहां रफीक आया ना। विजय रफीक, रफीक हाँ? ए,
नो यासिन, यासिन दर्द करेगा, इसे निकाल देती हूँ। देखो एक मिनट लोकेशन सर्च करो, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड तुरंत बुलाओ।
हाँ शिवराज, वो सस्पेक्ट बैग छोड़कर भाग गए हैं। ओके, ओपन द बैग। केयरफुल केयरफुल, आराम से संभल कर। देखो सर। यस शिवराज। हेलो हेलो, टेक योर सीट। थैंक यू सर। कहिए सर। यू हैव टू वॉच दिस। अमेरिकन एम्बेसी से बहुत प्रेशर है। आप रिलीज ऑर्डर दीजिए सर। ओके, थैंक यू सर। खोल दो। Everything is fine, sir. You can come, sir. Are you okay? विजय सर, सबको संभाल कर ले जाओ। यस सर। आइए, प्लीज कम।
दिस। देखो मैं एक लैंडमाइन पर हूँ, जल्दी आओ प्लीज, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, प्लीज कम फास्ट, जल्दी आओ, यहाँ है लैंडमाइन। Oh no! शिवराज कुछ करो, शिवराज जल्दी कुछ करो। We must do something immediately. Vijay, look there, go, move fast. Come on, sir, we'll do something. You don't worry. You hold it tight. Don't lose it. Boys, come fast. Fast. Yeah. No, here's evidence. Okay. We need him for investigation. Okay, sir. Yeah. Is he dead? Yes. Sir, slowly take this off. Slowly. Slow, sir. Slow, sir. Yes. Boss? Yeah, yeah. Come. Okay. Okay. Boys, okay, okay. Take him out. Yes. Yes, be sir. Careful. Fast, fast, fast. Sir. Back, sir. Come, sir. Fast. Let's move, Shivraj. Captain, why? दरवाजा खुला है। ये क्या हुआ? लाइट्स भी बंद है। अंदर कोई नहीं है क्या? हेलो हेलो, हाय पापा, हाय चुम्मी, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली टू यू आल्सो, हाय हाय सिस्टर, हैप्पी दीपावली भैया, हैप्पी दीपावली श्रेया, थैंक यू, हैप्पी दीपावली पति जी। हैप्पी दीपावली जानू। बस बस बहुत हुआ, मेरे बेटे को नजर लगाना बंद करोगे? चल आ जा मेरे साथ। हाय माँ। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग भी आ जाओ, तुम सभी मेरे बेटे जैसे ही हो और तुम सबको बहुत बुरी नजर लगी होगी। टेररिस्ट की नजर, इनकी सक्सेस से जलने वाले बुरे ऑफिसर्स की नजर। 20 साल तक सर्विस में थे, फिर भी किसी ऑपरेशन में नाम नहीं कमाया तुम्हारे पिता यानी मेरे पति ने, बहुत बुरी नजर लगी थी उन्हें। पूरे देश में आजकल सिर्फ तुम्हारी न्यूज चल रही है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माई सन ऑफिसर। थैंक्स पापा, सदा खुश रहो। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। बढ़िया खुशबू आ रही है। लड्डू। थैंक यू। अरे आप क्या हाथी की तरह मुंह खोल रहे हैं? बंद करो। इसमें तुम्हारी आर्मी का ट्रक भी घुस जाएगा। शिवू, पता है इनकी शुगर 300 तक चली गई थी। शुगर नहीं, शुगर फैक्ट्री है, और मिठाई खाएंगे। लड्डू नहीं। पापा, दिस इज टू बैड। आप खुश रहे यही काफी है। अगर ये लड्डू हमने खाया तो मानिए आपने खाया। बोलने और खाने में बहुत बड़ा फर्क होता है शिव। इतने साल मिठाई खाई ही है ना। माँ देखो जा। कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए। ये शुगर फ्री मिठाई है, सिर्फ आपके लिए बनाई है। अरे मुंह ही नहीं खोल रहे। अरे ओ, तूने ही खिलाई होगी। नहीं नहीं माँ, माँ जा रहा है। माँ तुम भी खाओ। ठहर अभी बता दे। अच्छा यस फिनिश। अरे अरे ठीक से नहीं पूछोगे तो छोटी हो जाएगी। पता ना कितनी ठंड है यहाँ। मैं क्या बच्चा हूँ? हमारी एक 7 साल की बच्ची है, याद रखना। पर आप भी किसी बच्चे से कम नहीं। अच्छा, अब इस बच्चे को एक और बच्चा चाहिए। आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। ऐसा क्या? बट ऑन वन कंडीशन। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ये कंडीशन क्यों? कंडीशन है तो है। ओके, व्हाट्स योर कंडीशन? मैं आपकी तरह इस देश की सेवा करने के लिए एक योद्धा देना चाहती हूँ। क्या हुआ? मैंने लड़का मांगा इसलिए बुरा लग गया? हम कई लोग आर्मी छोड़ने पर ही शादी के लिए तैयार होते हैं, और कई लोग
पति के घर लौटने तक जान हथेली में लेकर चलते हैं, मगर तुम पति मौत के साथ लड़ रहा ये जानकर भी बेटा पैदा हुआ तो उसे भी आर्मी ज्वाइन करवाना चाहती हो। यू आर रियली ग्रेट, सचमुच। जिस दिन मैंने आपसे शादी की थी उसी दिन मैं समझ गई थी, हर एक सैनिक की पत्नी रोज भगवान के सामने एक ही प्रार्थना करती है कि आज मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कल का दिन देखना चाहिए। एक सैनिक की बीवी बनना बहुत गर्व की बात है। जानू, आई लव यू। क्या कहा? आई लव यू। आई लव यू। ये हमेशा ऐसे लेट ही आता है, कहाँ गया ये? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ पता है? हाँ श्रेया, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने भी तो कितना वेट किया है जानती हूँ। कॉलेज के पास, घर के पास, शॉपिंग मॉल के पास, टेंपल के पास और तुम्हारे दिल के पास। ग्रेट। इतना सब होने के बाद अगर तुमने मुझसे ताजमहल भी मांगा होता ना तो मैं बनवा देता। तुम्हारे प्यार को जीतने के लिए IAS रेंज की एग्जाम दी है मैंने और वो सारी एग्जाम पास करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर अच्छी लड़की चाहिए तो एग्जाम तो देनी पड़ेगी। अगर चाहो तो फिर से एग्जाम ले लो। एग्जाम देने की अब तुम्हें और कोई जरूरत नहीं है। सरप्राइज। वाह, हे, सो क्यूट। ये फोटो क्यों लगाया? लव यू सो मच। स्पेशल ट्रीट फॉर यू, चॉकलेट्स। थैंक यू। श्रेया, ये बताओ तुम्हारे घर वाले शादी के लिए मान तो जाएंगे ना? पापा ओके हैं, भाभी ओके हैं, भैया और माँ को कन्विंस कर दिया तो मैं जल्दी तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी तुम्हारे भाई को भी कन्विंस कर लूंगा। भैया बहुत अच्छे मूड में हैं, इन 2-3 दिनों में मैं उनसे बात करूंगी। भैया मान गए तो माँ भी मान जाएगी। जानू, अगर मैं हिंदू बनकर तुमसे प्यार किया होता तो ज्यादा से ज्यादा झगड़ा होता, लेकिन मुस्लिम होना लगता है शायद लड़ाई होगी। हम दोनों ने प्यार किया है तो डरना किस बात का? हमारा प्यार ही हमारा भरोसा है, उसे छोड़कर हम जी नहीं सकेंगे। तुम मिली हो ये शायद मेरा नसीब है या फिर अल्लाह की दी हुई रहमत है, ये मैं नहीं जानता। तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, मगर हमें मरना नहीं है, जीना है, जीकर दिखाना है। पागल कहीं का। मुझे देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ, कल जल्दी आ जाना। ओके ओके, बाय बाय। ए श्रेया, 1 मिनट, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ओके। डू यू मैम? लास्ट गिफ्ट ऑफ द डे। मैं शादी होने तक कोई भी गिफ्ट नहीं लूंगी, ये तुम जानते हो ना। ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरी माँ तुम्हारे भाई के लिए है, मेडल नहीं दे सकता ना इसलिए। ओ, रिश्वत देकर पटाना चाहते हो? हे, कैप्टन को कोई पटा सकता है क्या? ओके ओके, कैप्टन से मैं कॉम्प्रोमाइज करवा दूंगी। ओके। कितना स्नोफॉल हो रहा है और तुम्हारे पापा को देखो, बच्चों की तरह पेपर काटते बैठे हैं। दादाजी, पापा ने पेपर नहीं पढ़ा, मत काटो। अरे वो अपने बारे में ही पढ़ेगा तो क्या अच्छा होगा बेटी। क्यों जी, भगवान के सामने भजन नहीं गाते हैं क्या? ये लीजिए कॉफी। वो तो भगवान को पटाने के लिए करते हैं ताकि भगवान आपके पाप कम कर दे। मेरी ही मत मारी गई थी जो आपसे बहस करने लगी। वाह, पहचान हो गई तुम्हें कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। सही कहा पापा। हाँ? माँ, अब आप कह दो, अगर मेरा दिमाग होता तो मैं आपसे शादी क्यों करती? हाँ, बाप चाहे जितना भी त्याग कर ले, माँ के सामने तो जीरो है। हाँ, जीरो ही है। कौन कहता है मेरे पापा जीरो है? माय फादर इज ऑलवेज अ हीरो। इसीलिए तो कहते हैं, हर एक बाप की एक बेटी तो होनी ही चाहिए, है ना? बेटी, मैंने भी तो तुम्हें कहा था जब तुम इससे इश्क लड़ा रही थी, अगर थोड़ी अच्छी कोशिश करती तो तुम्हें ऋतिक रोशन भी मिल जाता। पापा, ऋतिक रोशन तो मिल जाता लेकिन शिवराज तो नहीं मिलता ना। हाँ, राजा से प्यार करने वाले ही राजा की वैल्यू जानते हैं। तो इससे प्यार करने के लिए एक बिग गिफ्ट, आईफोन, इतना बड़ा गिफ्ट।
ओहो, कुछ न कुछ बात है। 7 है ना? 7 प्लस। ऐसा है तो पापा की जेब कट गई। अरे सिम कार्ड भी चेंज कर दिया। मेजर का कॉल आ रहा है। सर अमरनाथ? हाँ हाँ सर, मैं देख लूंगा सर। श्योर सर, या सेंट्रल मिनिस्टर अमरनाथ आने वाले हैं, इसलिए हमें रेडी होना होगा। हाँ, यस, ओके ओके। माँ मैं चलता हूँ। बेटा शिवू, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से बोल रही हूँ कि मुझे अमरनाथ जाना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अरे माँ, मैं मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए जा रहा हूँ। अगले महीने 2 दिन की छुट्टी लेकर आऊंगा, तब पक्का ले जाऊंगा। अभी मुझे जाने दो माँ, प्लीज। भैया की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करूँ। तू आज बहुत मस्का लगा रही है। समथिंग इज देयर, कहीं तू किसी से। सुनो, तुम ही हमें शिवजी के दर्शन करा सकते हो। माता पिता की आशा को पूरा करना भी बच्चों का ही कर्तव्य होता है ना। अरे माँ, मेरा सिर्फ नाम शिवा है, मैं कोई भगवान नहीं। तुम्हारे बात करने के तरीके से पत्थर भी बर्फ की तरह पिघल जाएगा। टीवी सीरियल देख देख के तुम भी एक्टिंग सीख गए। आप चुप रहिए, आप एक सर्विस मैन है, अब आपके ऑर्डर नहीं चलेंगे, समझ गए? आप दोनों अंदर जाकर झगड़ा करो, मैं चला। तुम माँ बेटा जो चाहे करो, मैं तो यहीं बैठा। सुनो, माँ कितनी रिक्वेस्ट कर रही है। तुम्हारा इन्फ्लुएंस है क्या? इन्फ्लुएंस नहीं है, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड, ओके? चलो। सुनो, मेरी रिक्वेस्ट भी नहीं मानोगे क्या? नो, मुझे लगा था कि तुम्हें एक दूसरा बच्चा चाहिए। ब्लैकमेल कर रही हो? ब्लैक और व्हाइट मैं नहीं जानती, मैं तुमसे कट्टी हूँ। अरे ये क्या, कट्टी करके ईश्वर को मुनीश्वर मत बनाओ। मैं तो मजाक कर रहा था, इतनी सी बात के लिए कट्टी? ये तुम ठीक नहीं कर रही। अब आए ना रास्ते पे, शेर बीवी के सामने बिल्ली होता है, ये प्रूव कर दिया ना। माँ सुनो, मेरी बीवी रिक्वेस्ट कर रही है, मैं गाड़ी भेजता हूँ, तैयार रहना, ठीक है? थैंक यू बेटा। जानू, ओके डार्लिंग। पक्का खिलाड़ी है ये, एक ही बुलेट से 2 निशाने मार दिया इसने, बहुत पक्का खिलाड़ी हो गया। तुझसे तो हर कोई सीख सकता है। हाय बंदर के बच्चे, मैंने तुम्हें याद किया, तुम्हें पता चला? तभी तो मैंने तुम्हें फोन किया है। तुम्हें पता है मेरे घर वाले अमरनाथ जा रहे हैं। तो जाने से पहले तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी? नहीं यार, सभी लोग तैयार हो गए हैं, पर मैं तुम्हें आने के बाद मिलती हूँ ना। पता नहीं तुम कब आओगी, तब तक मेरा क्या हाल होगा। प्लीज यार समझो ना। श्रेया प्लीज, मम्मी पापा से कुछ भी छूट बोल कर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत मिस करता रहूंगा। हाय। हाय श्रेया। क्या हुआ अर्शद? नथिंग जानू, घर वाले नहीं भेजेंगे ऐसा सोचा था। घर वालों से पूछकर प्यार नहीं किया है, दिल से पूछकर प्यार किया है। थैंक यू जानू, तुम्हें एक दिन के लिए भी मिस करने को मेरा दिल नहीं करता। वो जानती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ ना मैं। तुम अपने पेरेंट्स को भी मिलने नहीं गए कहा, वो मेरे हार्ट को टच हो गया। तुम्हारे प्यार में मैं सब कुछ भूल गया हूँ श्रेया। मैं भी। श्रेया शायद माँ होगी, मैं जाती हूँ। तुम कोई गड़बड़ मत करना, हाँ टाइम टाइम पर खाना खाते रहना, ओके? बाय श्रेया। हाँ? वहाँ बहुत ठंड होती है, टेक केयर। मुझसे क्यों इतना प्यार करते हो तुम? प्यार के लिए तो जिंदगी में बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ तुम हो। कितने जन्म है मैं भी नहीं जानती हूँ, मगर जितने भी जन्म होंगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। I love you, चानू। Me too. I love you so much. फैमिली को मैं छोड़ दूंगी, मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। टेक केयर, बाय। बाय। श्रेया। सब व्हीकल्स को चेक करो, ओके? ओके सर। क्लियर सर, एवरीथिंग इज क्लियर। सर ये कैप्टन शिवराज हैं, ही इज आल्सो हेलो शिवराज। यही शिवराज हैं? आपके yes, बारे में तो मैंने बहुत सुन रखा है। ये है मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते मैडम। चुम्मी, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से, गो। कौन है ये प्यारी बच्ची? जी मेरी बेटी है। सो क्यूट। हाय। मेरी फैमिली भी जा रही है,
मगर वो प्राइवेट व्हीकल में है। Why don't you join with us? हमारे साथ और कोई नहीं है, सिर्फ सर दोनों ही। सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगा सर, वो लोग दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। हमारे साथ आने में सिक्योरिटी प्रॉब्लम? नहीं नहीं सर, आपको तकलीफ होगी। नो, आप लोगों को आना ही होगा। आपको बुलाएं। हाँ। आइए। आइए पापा। सर, शी इज माय वाइफ। नमस्ते। मेरी माँ। नमस्ते। मेरे पापा। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम एन एक्स सर्विसमैन। वाओ, सोल्जर फैमिली। यस सर। सर, मौसम खराब होता जा रहा है। Shall we leave? Shivraj, why don't you join us? No sir, I am on duty. Please carry on sir. It's okay Shivraj, you can join us. It's okay, we'll be in the front. Okay? Come on. Come on, come on. सबको गाड़ी में बैठने के लिए कहो। Alpha, is road clear everywhere? Over. माँ, ये लीजिए। Thank you. ये तुम्हारे लिए। आज आपकी वजह से हम लोग भी अमरनाथ के दर्शन कर पाएंगे। मेरी वजह से नहीं, ये ऊपर वाले की इच्छा है। बिल्कुल सही कहा। इसने क्यों फोन किया? ओह, सॉरी टू डिस्टर्ब। सॉरी बंदर के बच्चे, आई एम विद माई फैमिली, डोंट माइंड। थैंक यू, लव यू टू। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? श्रेया बेटा, एक मिनट, गाड़ी रोकना। हमेशा यही होता है, इसे गाड़ी का सफर सूट नहीं करता। पानी पी ले बेटा। श्रेया, आर यू ओके? रिलैक्स, इट्स ओके। श्रेया, पापा, पापा। कैप्टन चुन्नी गाड़ी से उतर गई। पापा, ठीक नहीं है। चुम्मी, क्या हुआ चुम्मी? यहाँ आओ पापा। सर, कैप्टन, क्या कैप्टन, आर यू ओके? कैप्टन, कैप्टन, श्रेया, शिवराज की बहन, आतंकवादी अर्शद के साथ इसके अफेयर थे। शिवराज, इन आतंकवादी गतिविधियों में तुम्हारी बहन के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले, खास करके तुम्हारे मोबाइल में। द ऐप इंस्टॉल्ड इन योर मोबाइल हैज शेयर्ड एवरी कॉल डिटेल्स ऑफ योर्स। तुम्हारे बारे में जो भी शक है वो इसी से साबित होता है। बोलो शिवराज, एक मिनिस्टर की गाड़ी में तुम अपनी फैमिली को कैसे बिठा सकते हो? ये भी साजिश का एक हिस्सा ही हो सकता है। जनरल को ऐसी रिपोर्ट मिली है। क्या कहना है शिवराज? शिवराज,
हम भी तुम्हें अपराधी नहीं कहना चाहते, लेकिन जो सबूत तुम्हारे खिलाफ मिले हैं उससे तुम खुद ही अपराधी की जगह पर आकर खड़े हो चुके हो। फिर भी देश की सेवा में तुमने आतंकवादियों का एनकाउंटर किया है, LOC में तुमने घुसपैठियों को रोका है, उन सब को देखते हुए तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक मौका देने को मैंने अपने हायर ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया है। धन्यवाद सर। सर, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। यस। अगर मुझे और एक मौका मिला तो मेरी भी कुछ मांगे हैं सर। मैं चाहता हूं कि पूरे शहर में 3 दिन के लिए कर्फ्यू जारी करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मिलिट्री ट्रक यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इंटरनेट, प्रीपेड मोबाइल सब बंद। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट सर। वन मोर थिंग सर, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता तब तक टेलीविजन में, पेपर्स में मेरी फैमिली को आतंकवादी के नाम से ना बुलाएं तो बेहतर होगा सर। प्लीज सर, इट्स माय रिक्वेस्ट। अगर ये सच हो, नो सर, नहीं सर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई विल प्रूव इट सर। क्या हुआ बेटा? मैंने क्या गलती की? हाँ। बेटा, तुम क्या गलती कर सकती हो बेटा? माँ कहती थी गलती करोगे तो भगवान जी पनिश करते हैं। भगवान जी ने मुझे क्यों पनिश किया? माँ मुझसे नाराज हो गई और वो मुझे देखने नहीं आई। प्लीज पापा, माँ को बुला दो। हाँ, बुलाता हूँ बेटा, बुलाता हूँ, बुलाता हूँ। Thank you.
कैप्टन, वी फाउंड द लोकेशन। कैप्टन सिन्हा, यकीन नहीं हो रहा। शिवराज कैप्टन, ब्रिगेडियर दस प्रताप सिन्हा, आई वॉन्ट हिम अलाइव। अच्छे Shivraj, what have you done? I wanted him alive! No, Brigadier, he is a culprit! Come on! कैप्टन, ऑल क्लियर। ओके, लेट्स मूव। यस सर। अर्शद, अर्शद, ये जिंदा। चलो, 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 जल्दी, जल्दी करो। चलो, चलो। I really appreciate you, man. शिवराज, क्या हुआ? जीते तो छाती पर मेडल, कंधे पर स्टार, और मरे तो? बॉडी को बॉक्स में रखकर, फोटो को वहां सर के पास रखकर, आसपास 6 राउंड मारकर, बंदूक हाथ में उठाकर,
भारत का एक बेटा धरती में मिल गया ये कहकर मन मनाने से और मौन रखने से क्या सैनिकों की आत्मा को शांति मिलेगी? घर बार की फिक्र छोड़कर सैनिक ही तो है जो देश के लिए जान लड़ा देता है। हमारे देश में 545 एमपी हैं, 4120 एमएलए हैं, उनमें से एक का भी बेटा आर्मी में ऑफिसर है क्या? इन्हें विधानसभा और पार्लियामेंट चाहिए, बीएसएफ और आर्मी नहीं। ऐसा क्यों? सैनिक हमेशा मौत के करीब रहता है। हमारे लिए तो यही भाई हैं, यही दोस्त हैं, यही हमारे संबंधी और रिश्तेदार। हमने इन हथियारों को अपने बच्चों से ज्यादा उठाया है। देश को लूट कर हजारों करोड़ों इकट्ठा करने से देश सेवा नहीं होती। मिनट में 72 बार धड़कने वाला ये दिल भी इन पहाड़ों में मुश्किल से 30 बार धड़कता है। अपने आप से ज्यादा वजन उठाकर, देश को अपने सीने से लगाकर, दुश्मन के सामने सीना तानकर एक सैनिक खड़ा होता है। I can understand, Captain. There is no use of understanding, sir. Thank you, sir. Captain, please try to understand. पाकिस्तान यूनिवर्सिटी। देख लिया सर, बॉर्डर पार करके एक पक्षी भी आता है तो हम उसे मार देते हैं, दुश्मन की चली कोई चाल समझकर। लेकिन अंदर के जो भ्रष्ट लोग हैं अपने फायदे के लिए दुश्मनों को पनाह देते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दिलाकर अपने देश की राष्ट्रीयता को बेचते हैं सर। और वो प्रताप सिन्हा अपने डिफेंस के सीक्रेट्स को लीक करता है। वेरी बैड सर। और इन सब की वजह है पैसा, रिश्वत, स्वार्थ, अधिकार। हमारे देश में पैसे के लिए कोई भी अपना ईमान बेच सकता है सर। ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ कुछ करना होगा सर, तभी एक सैनिक को सच्चा सम्मान मिल पाएगा सर। फ्रेंड्स, देश की रक्षा करने वालों से ज्यादा देश चलाने वालों का महत्व है। देश चलाने वाले धोखा दे सकते हैं ये जानकर भी उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम पर नहीं करते। शिवराज को इसका दुख है। हम में से एक ऑफिसर जो ऑनेस्ट रहकर समस्याओं को रोकना चाहता है, उसका अपसेट होना जायज है, बट ही इज अ ग्रेट पर्सन। शिवराज ने यहां आने के बाद भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाया और घुसपैठियों को वापस भेज दिया। आतंकवाद पैदा होता है गरीबी से, पढ़ाई लिखाई की कमी से। ऐसे हजारों बच्चों को शिवराज एजुकेट कर रहा है और युवाओं को प्लेसमेंट दिला रहा है। समाज सेवा करने के लिए आपको कोई विशेष अधिकार दिए जाएं, ये जरूरी नहीं है। एक साधारण आदमी भी समाज सेवा कर सकता है, ऐसा शिवराज ने प्रूव किया। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ ग्रेट लीडर। इतना ही नहीं, केरल से 60, आंध्रा से 18 टेररिस्ट आईएसआई में ज्वाइन होने के लिए जा रहे थे, उन लोगों को पकड़कर जेल में डाला है। साउथ इंडिया प्रमोट्स टेररिज्म, इस कलंक को पूरी तरह मिटाया है हमारे अंडरकवर एजेंट कैप्टन शिवराज ने। एंड वन मोर थिंग, ऑपरेशन अरशद को लीड कर रहे हैं नन अदर देन अवर कैप्टन शिवराज एंड हिज टीम। सर बाब। अच्छा? यस सर। सर, we'll give you a very good news as soon as possible. Thank you all. Yeah.
कैप्टन शिवराज, आजादी और शताब का स्वागत करता है। आओ, आगे आओ। नो नो विजय, डोंट शूट, दैट्स माय ऑर्डर, वेट फॉर माय कॉल, ओके? कैप्टन शिवराज, तेरी एक बुलेट मेरी तरफ भेजने से पहले मेरी बुलेट को देख ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक एक आदमी के पास 5-6 किलो आरडीएक्स है, कई किलोमीटर तक का रेडिएशन। मेरे सिर्फ 5 लोग तेरे 500 सोल्जर्स की बलि ले लेंगे। मेरी कैपेसिटी के और 10 बटालियन को बुला ले शिवराज। आई एम रेडी। नो, डोंट टेक एक्शन विदाउट माय परमिशन, इट्स एन ऑर्डर। देखो, इस पूरी कायनात में जो अमन फैलाता है वो जिहादी होता है। तुम लोगों की जगह हमारा झंडा फहराना चाहिए। पकड़ से ऐसे हजारों झंडे फहरा लो, इंडिया इंडिया रहेगा। सर में फायर कर रहा हूं। नो विजय, एक के बारे में सोचोगे तो नहीं चलेगा, यहां हजारों लोग हैं। सैनिक मौत से नहीं डरता सर, जिंदगी जीने के लिए मरना चाहिए, मरने के लिए नहीं। गो बैक, इट्स माय ऑर्डर। श्योर कैप्टन। Look, listen to me carefully. Now we have to handle situation very cleverly, okay? So follow my orders. I hope you understand. Uthao isko. Hey, suna nahi kya? Uth ja. Uth. Chal pakad jhande ko. Pakad jhande ko. Chal. Uth ja. Uth. मुझसे लड़ेगा। देखो तुम्हारा झंडा। Yeah!
पापा, तुमने क्या गलती की? आ जा। थोड़ा पानी पी ले। पानी तो इंसान पीते हैं, खून पीता है तेरे जैसा एक हैवान। इसी खून के लिए तू पूरे देश से लड़ रहा है ना? बेगुनाह लोगों के गले काटकर अपने मजहब को बड़ा कर रहा है। तेरा मजहब लाखों करोड़ों बेगुनाह लोगों की जाने लेना सिखाता है। तेरी पाक किताबों में ये लिखा है कि लोगों की हत्या कर बेगुनाह लोगों की बलि चढ़ा। बता, क्या तेरा मजहब ये सब सिखाता है तुझे? तूने अपने ही देश में स्कूल में घुसकर 150 बेगुनाह बच्चों को मार दिया, तो क्या इससे तेरा खुदा खुश हो गया? तेरी पाक किताबों में लिखा है कि परम दयालु और करुणामयी को मालिक कहते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हारी बातों को नहीं मानते, तुम उन लोगों का गला काट देते हो। क्यों? मालिक ने ऐसा कहा है? ए, हमारे देश में देख, इस तरह हिंदू मुसलमान नहीं जी रहे, सब इंडियंस बनकर जी रहे हैं। देख, हमारे देश में रहने वाले करोड़ों सैनिकों में से लाखों सैनिक तेरे मजहब के हैं। अगर वो तेरी तरह सोचते मजहब के बारे में, तो 120 बुलेट हर एक के हाथ में होती है, उससे वो जो चाहे कर सकते थे। हजारों होटल चलाने वाले, फल फूल बेचने वाले मुसलमान हैं। एक दिन भी धर्म ही सब कुछ है ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, और हमारे देश में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हिंदू दूध देता है, मुसलमान चाय बनाकर देता है। ये है संबंध मेरे देश में। मजहब और जिहाद के नाम पर तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? किसी भी मुस्लिम देश में भगवत गीता प्रिंट नहीं होती, लेकिन हमारे देश में तो गीता और कुरान एक साथ प्रिंट होते हैं। हिंदू भी उसे पढ़ता है और मुसलमान भी उसे पढ़ सकता है, पर तुझ जैसे जिहादी के दिमाग में ये बातें नहीं उतरेंगी, वरना आज ऐसा आतंक होता ही नहीं। सुन ले, तेरे जैसे करोड़ों जिहादी मिलकर भी मेरे देश के 130 करोड़ लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो अपने मजहब को ही ठीक से नहीं समझ पाया, वो देश प्रेम क्या जाने। ऑपरेशन अर्शद इज ओवर सर। वेल डन शिवराज। जय हिंद। पंछी गूंजती है ये ओंकार से, झरनों में संगी किरणों में है गी, जय भारती जय घोष रे। ये स्थान है गुरुओं का, इसने दिया ध्यान साधना, जर्मन हमारा है गाना, विज्ञान ने इसे माना।
सिंह भूमि, स्नेह के लिए प्रेम भूमि, भव्य चरित्र